हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल जी। दोस्तों आपको तो पता ही है यार, हम वीडियो ना बड़ी रॉ वीडियोस बनाते हैं, है ना। मतलब कुछ ऐसा नहीं रहता कि भाई कुछ स्क्रिप्टेड है या मैं पहले से कोई तैयारी करके आया हूँ, ठीक है। और भाई ये टॉपिक तो ना देख दिल से निकल रहा है यार। मैं भी भाई स्टूडेंट था 2019 से 2021 तक, भाई कोविड के टाइम पे हमने स्टडी की। और वो तो एक सिचुएशन भी ऐसी थी भाई कि हर चीज़ की एक धज्जियाँ उड़ गई, है ना। कोविड ने सबको हिला दिया, पूरी दुनिया को हिला दिया। तो हमने तो यार उस टाइम पे सिचुएशंस देखी हुई हैं। तो लेकिन यार मुझे ना कब से एक चीज ना बड़ी वियर्ड लग रही है यार, वियर्ड लग रही है और सबसे बुरा भी लग रहा है यार। बुरा क्यों लग रहा है कि उस चीज के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा ना। कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट बात कर रहा है, ना कोई और बात कर रहा है, ना कोई यूट्यूब पे बात कर रहा है। और मुझे ना अपने आप पे गुस्सा भी आया कि यार ये टॉपिक मैंने पहले क्यों नहीं छेड़ा, क्यों नहीं छेड़ा। टॉपिक क्या है भाई? एजुकेशन क्वालिटी को लेके टॉपिक है भाई। जो इंटरनेशनल स्टूडेंट तीन तीन गुना फीस पे कर रहे हैं उसके बारे में टॉपिक है भाई। आफ्टर स्टडी जॉब के लिए क्या ऑप्शंस हैं, करियर अपॉर्चुनिटीज क्या हैं, कौन इन चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बात हमने करनी है उस चीज की। आपने देख लिया होगा भाई, बहुत सारे लोग कह तो रहे हैं कि भाई हमारा वर्क परमिट एक्सपायर हो रहा है जी, हमें सपोर्ट नहीं की जा रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। चलो ठीक है, वो एक अलग चीज है भाई, उसकी चीजें उसके बारे में आवाजें उठाई जा रही हैं भाई, ठीक है। लोग अपने अपने तरीके से डिस्कशन कर रहे हैं, वो एक ठीक है, वो एक अलग चीज है। या फिर मैं बात करूं कि भाई जैसे स्पाउस वीजा भी इन्होंने बंद कर दिया कि भाई ठीक है जी, अगर आप मास्टर या डॉक्टर में नहीं हो तो आप अपने पार्टनर को यहां पे नहीं बुला सकते हो, तो भाई ठीक है, वो एक चीज है भाई। मुझे ये समझ नहीं आता इन चीजों के बारे में कौन बात करेगा, इन चीजों के बारे में कौन बात करेगा। बात है भाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, क्वालिटी के बारे में कौन बात करेगा भाई। कितने आपने बताओ मुझे यार, कितने लोगों ने भाई इंस्टाग्राम पे इस चीज के लिए रील देख ली होगी। वैसे तो बड़ा लोग सारे डाल देते हैं कि भाई कनाडा में स्ट्रगल है, कनाडा में ये हो गया, कनाडा ने ये कर दिया, इमिग्रेशन वालों ने ये कर दिया। भाई कौन बात कर रहा है कि भाई हमें क्वालिटी चाहिए एजुकेशन में। हम एक साल में कितनी भाई, आप दे ये लगा कि चलो 30,000, हम 2 साल का जो कोर्स होता है 30,000, 35,000 डॉलर हम फीस पे करते हैं। उसको भाई कंपेयर करो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, क्या क्वालिटी है। कोविड के टाइम पे तो भाई क्वालिटी की धज्जियां उड़ गई थी, ठीक है जी, स्टडी की तो भाई धज्जियां उड़ा दी गई थी, ठीक है। इतना अनऑर्गेनाइज सिस्टम और पता नहीं भाई कहां कहां से क्या क्या चार्ज किया जा रहा है स्टूडेंट्स को, कुछ नहीं भाई। कोई पढ़ाने को तैयार नहीं है, कोई पढ़ने को तैयार नहीं है, बस ऐसी हवा में चीजें चल रही है भाई। और वहां पे हमारी भी कहीं ना कहीं गलती थी, क्योंकि हमारा कहां पे सिर्फ फोकस था, हमारा फोकस था जी कि हमें भाई बस वर्क परमिट मिल जाएगा, हमें वर्क परमिट मिल। सीखा तो कुछ है नहीं हमने, हमने सीखा नहीं, स्किल्स ली नहीं। अब दिक्कत आ रही है भाई, अब उन लोगों से पूछ के देखो भाई, क्योंकि भाई मैंने ये चीजें देखी हैं यार। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो इतना भाई सच्ची में इतना खुश हूं कि ये थैंक गॉड भाई ये पीपीपी वाले कॉलेजेस बंद हो रहे हैं यार। धंधा बना रखा था, बिजनेस इतना अच्छा बन गया था भाई इन लोगों का तो यार, कि भाई स्टूडेंट्स को कोई फर्क नहीं पड़ता, पढ़ाओ ना पढ़ाओ कोई बोल ही नहीं रहा, इनके ही मजे भाई वर्क परमिट मिल जाएगा, ठीक है जी, हमारी मजे पढ़ाने ही पड़ रहा। यार इतना बुरा हाल हो गया था कुछ कुछ कॉलेजेस का, तो कुछ कुछ कॉलेजेस ने कोशिश की मेंटेन करने की, बट भाई ओवरऑल अगर मैं देखूं कनाडा के स्टैंडर्ड के हिसाब से तो कुछ भी नहीं था यार, कुछ भी नहीं था। बट अनफॉर्चुनेटली हमने तो बात ही नहीं करनी, हमने तो उस टॉपिक पे बात ही नहीं करनी, ना किसी ने की। फीस तीन तीन गुना हम फीस पे करते हैं जो लोकल स्टूडेंट यहां पे कनाडा के या कनाडा के पीआर हैं। क्यों भाई इतना फर्क, इतना बड़ा गैप, क्यों भाई, क्या एक्स्ट्रा मिल रहा है ऐसा। क्या आफ्टर स्टडी हमारे करियर को लेके सपोर्ट की जा रही है, या फिर आफ्टर स्टडी हमारे लिए जॉब्स, हमें है कि भाई वॉन्स यू डन विद द स्टडी आपके लिए जॉब तैयार है भाई। कहां पे कुछ भी नहीं है यार, कुछ भी नहीं है भाई, कहां है फिर वो चीजें भाई। कोई बात ही नहीं कर रहा, कोई बात ही नहीं कर रहा उस चीज के बारे में तो, है ना भाई। इन चीजों के बारे में भी हमें बात करनी चाहिए। तीन गुना फीस हम पे करते हैं भाई इंटरनेशनल स्टूडेंट जो होते हैं, तीन गुना। क्यों भाई इतना फर्क क्यों, थोड़ा
थोड़ा बहुत फर्क कर दो यार। चलो ठीक है, मानता हूँ कि उनको भी एक स्पेशल होना चाहिए उनके लिए, एक मानता हूँ मैं, बट यार 3 गुना इतना इतना ज्यादा डिफरेंस यार, नहीं भाई ये फेयर नहीं है मेरे हिसाब से, ये फेयर नहीं है। ठीक है, क्वालिटी भाई आपने फीस इतनी कर दी है, ठीक है जी, क्वालिटी कहाँ है भाई, क्वालिटी फिर कहाँ है? पता है हम इंटरनेशनल स्टूडेंट अच्छा खासा कंट्रीब्यूट करें इकोनॉमी में, ठीक है जी, कोविड के टाइम पे सबने इतनी मेहनत की, क्वालिटी कहाँ एजुकेशन की? आफ्टर स्टडी भाई क्या गारंटी है हमें जॉब मिलेगी? थोड़ा सा तो ध्यान देना पड़ेगा ना चीजों के बारे में। GIC 10,200 से भाई 20,000 कितना, 600 समथिंग हो गई है। कितने लोगों ने भाई इसके बारे में आवाज उठा दी, कितने लोगों ने बोल दिया ये गलत हुआ, ये हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, हम ये करेंगे, पिटीशन फाइल करेंगे, किसी ने नहीं बात की, किसी ने नहीं बात की। तो भाई चीजें हो रही हैं, बस चल रही हैं। अब 5 साल के वर्क परमिट के लिए भाई ये बात करूं, ठीक है पिटीशन फाइल कर दिया, लेकिन कितने लोगों ने इस चीज के बारे में भाई बात कर ली? मैं मानता हूं बहुत सारे लोगों ने की है, बट फिर भी भाई सब लोग इकट्ठे तो नहीं आए ना, क्योंकि भाई कहीं ना कहीं ये है कि बस ना हम बातें कर रहे हैं बस इधर उधर कि भाई ये है वो है, इकट्ठे नहीं है, यूनिटी नहीं है, और जो मेन मुद्दे हैं ना उसके बारे में तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। 3 गुना फीस क्यों नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? क्वालिटी हमें क्यों नहीं दी जा रही कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज में? इस चीज का क्या पॉइंट है, क्या गारंटी हमें मिलेगी भाई क्वालिटी? हमें वो चीजें सिखाई क्यों नहीं जा रही जो आगे जाके हमें जॉब के लिए करियर के लिए भाई फायदा हो? क्यों नहीं हो रही वो चीजें? कौन बात कर रहा है इन चीजों के बारे में? कोई नहीं बात कर रहा है यार, कोई नहीं बात कर रहा, अनफॉर्चुनेटली सब लगे पड़े हैं जी हमारा वर्क परमिट एक्सपायर हो रहा है जी, ठीक है खेड़ा पीआर के ड्रॉ नहीं आ रहे, ठीक है जी, और ये हो गया वो हो गया, मैं तो थक जाता हूं जी काम करके, मेरा तो ये हो जाता है। ठीक है यार वो चीजें भी जरूरी हैं, लेकिन आपको नहीं लगता यार ये चीजें भी जरूरी हैं, ये चीजें भी जरूरी हैं, इन चीजों के बारे में भी बात होनी चाहिए? तो भाई इसी को लेके मैं आज वीडियो बना रहा हूं यार, और मुझे आप लोगों से जानना है कि आप लोग क्या सोचते हो कि इन चीजों के बारे में डिस्कशन होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए, बताओ आप यार। क्या आपको नहीं लगता भाई 3 गुना फीस मतलब ही नहीं है यार, इतना होना चाहिए भाई, जब लाखों में स्टूडेंट्स आ रहे हैं यार, 3 गुना फीस क्यों भाई? थोड़ा सा तो वेव ऑफ करो यार, थोड़ा सा तो देखो, है ना, इन चीजों के बारे में भी डिस्कशन करनी बहुत जरूरी है भाई। ये देखो भाई प्रिंस एडवर्ड में, ठीक है वो बच्चे चार्लोटे टाउन आई थिंक कैपिटल में वो बैठे हैं हंगर स्ट्राइक पे, बताओ यार प्रॉब्लम तो हो रही है ना, है ना, पर वही बातें हैं यार कि भाई ये सब चीजें अब आने वाले टाइम में भी चलती रहेंगी, क्योंकि यूनिटी नहीं है, हम बात करते नहीं है यार, अकेले अकेले बस सब घूम रहे हैं, बातें कर रहे हैं, भाई मुश्किल है मुश्किल है भाई, ऐसी चीजें नहीं होती, ऐसी चीजें नहीं होती। और ये भी एक चीज है भाई GIC को लेके सब अकेले अकेले तरफ से बस कह रहे हैं कि भाई हमें दिक्कत हो रही है, दिक्कत हो रही है, फिर कौन सा हम रुक रहे हैं भाई आना, यहाँ पे पहले भी आए थे, फीस बढ़ गई तब भी आए हैं भाई, आते रहेंगे, ठीक है ये सब सिस्टम चलता रहेगा, ठीक है किसी ने कुछ नहीं बोलना अनफॉर्चुनेटली, लेकिन फिर भी भाई कोशिश तो हम कर सकते हैं ना, जितना हमसे हो पा रहा है भाई उतनी कोशिश डेफिनेटली बनती है। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं भाई, बहुत सारे हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स की, वो अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, हम उन लोगों को तो सपोर्ट कर सकते हैं ना, जितना हो सकता है हमसे दूसरे की हेल्प करो भाई, सपोर्ट करो। आप क्या सोचते हो टॉपिक के बारे में भाई, मुझे प्लीज जरूर बताना मुझे, ठीक है। बाकी भाई सी यू नेक्स्ट टाइम इन टॉपिक एंड डिस्कशन, टिल देन से स्टे का अपना ध्यान रखना, नेवी सिंगेर का चैनल जरूर फॉलो कर लेना, टेक केयर, बाय बाय, हैव फन, बाय बाय गाइस।